नमस्कार दोस्तों, होप आप सब बढ़िया होंगे। आज इस वीडियो में मैं अपने साथ हुए ऐसे 3 से 4 एक्सपीरियंसेस एज एन एंटरप्रेन्योर जो मैंने देखे हैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, जो कि आपको सोचने मजबूर कर देगा कि अगर देखा जाए तो क्लास 9th और 10th में हमको ऐसे डिफरेंट टॉपिक्स सब्जेक्ट्स पढ़ाए गए जो आज लाइफ में बहुत काम आते हैं। आपने कॉस थीटा, टेन थीटा, ट्रिग्नोमेट्री में डिफरेंट फॉर्मूलेज रटे होंगे, क्या आज आपको वो लाइफ में इतने काम आते हैं? लेकिन अगर सोचा जाए ऑन द अदर साइड, फाइनेंशियल नॉलेज, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, कहां पर इन्वेस्ट करें, SIPs क्या होती है, इंडेक्स फंड्स क्या होते हैं, PPF क्या होते हैं, टैक्सेस कैसे बचाएं, इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल करें, ये डिफरेंट चीजें जो एक इंसान को काम आती है फ्यूचर में जब वो सैलरी कमाता है अपनी या फिर एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी अपनी स्टार्ट करता है तो बहुत कम काम आता है। इसीलिए मैं इस वीडियो में डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स के बारे में आपको बताऊंगा और आपकी भी राय चाहूंगा इन द कमेंट बॉक्स कि क्या आप सोचते हैं इस टॉपिक के बारे में। प्लीज लेट मी नो। सो डू इट अ लाइक ऑन दिस वीडियो एंड वॉच टिल द एंड। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विद अ बिग बैंग। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हुआ ये है कि एक दिन मैं ऑफिस पर बैठा हुआ था और एक बंदा आया एज एन एंटरप्रेन्योर, जिसने मुझे कहा कि सर आई वॉन्ट टू स्टार्ट एन बिजनेस जो कि ये कैटेगरीज में रहेगा, मेरी ये सप्लाई चेन रहेगी, ये मेरा सेल्स रहेगा, ये सब कुछ मैं ऐसे ऐसे करने वाला हूँ। जब मैंने उससे पूछा कि आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है तो उसने मुझे डिटेलिंग में बताया कि यार मैं साइंस वाला बंदा हूँ, मैंने इस कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है और ये पर्टिकुलर बिजनेस में रन करना चाहता हूँ। पर जब मैंने उसको बेसिक्स चीजें पूछी कि भाई फंडिंग का क्या कैसे क्या सीन करना है, अपने को कितना अमाउंट की जरूरत होगी, कितना क्या सेल्स वगैरह प्रेडिक्शंस कर रखा है, क्या परचेजेस वगैरह प्लान करनी है, अपने को क्या करना है, तो बहुत कम नॉलेज था एज एन साइंस ग्रेजुएट। बिकॉज एज एन सब्जेक्ट हमको वो कभी पढ़ाए नहीं गए जो कि एंटरप्रेन्योर को बहुत नीडेड है। क्या हमारे पास कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं हो सकता था इन द क्लास 9th 10th जो कि हमको इन चीजों के बारे में बताए कि एक बिजनेस को कैसे ऑन बेस खड़ा करा जा सकता है, कैसे बजट बनाते हैं, कैसे सेल्स प्रेडिक्ट करते हैं, कैसे परचेजेस वगैरह देखते हैं, कैसे एज एन कॉस्ट कटिंग करते हैं, कहां से लोन लेते हैं, कहां से फंडिंग जुटाते हैं। ये बेसिक्स मेरे हिसाब से एक बच्चे को पढ़ाना जरूरी है टू ग्रो हिम एज एन एंटरप्रेन्योर इन द आफ्टर years of his life, but ये सारी चीजें हमको पढ़ाई ही नहीं गई। जब मुझे ऐसा लगा कि हाँ यार शायद ये अगर चेंज होता तो बहुत ईजी होता किसी भी बंदे के लिए, अगर उसने कोई दूसरा सब्जेक्ट भी लिया है एज एन एंटरप्रेन्योर की जर्नी तय करना। फिर एक और ऐसा एक्सपीरियंस मेरे साथ हुआ कि एक मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, साइंस ग्रेजुएट है, उसने एक अच्छी कंपनी में एज एन इंजीनियरिंग की पोस्ट ले ली है, उसको अच्छी खासी सैलरी पे आई, इस पैकेजेस अराउंड 15-20 लाख। अब जब अमाउंट उसके बैंक में आता है, मतलब बहुत दिनों से हमारी बात नहीं हो रही थी, फिर ऑन द रैंडम डे ही जस्ट कॉल्ड मी कि यार भाई कुछ फंड है मेरे पास, कुछ मनी इकट्ठा हो गया है, आई वॉन्ट टू इन्वेस्ट। मैंने उससे पूछा कि यार अभी कहाँ पे इन्वेस्ट कर रखा है, तो ही टोल्ड मी कि अभी तो मेरे सेविंग खाते में ही पड़ा है, जो भी एक्सपेंस वगैरह होते हैं मैं कर देता हूँ। ऑन क्यूरियस नोट आई आस्क्ड हिम कि यार कितना अमाउंट है अपने को इन्वेस्ट करना है, ही टोल्ड मी यार मैंने तो अभी तक कहीं पर डीमैट अकाउंट ही नहीं खुलवाया है, कभी तुम्हारी मैंने कभी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट ही नहीं किया है। मतलब उसका पूरा अमाउंट ब्लॉक है सेविंग खातों में, जहां पर उसको इंटरेस्ट रेट मिल रहा है बस 4 से 5%, और इन्फ्लेशन रेट ही उससे ज्यादा है इकोनॉमी का। मतलब समझो उसका पैसा बैंक में पड़े पड़े डिक्लाइन हो रहा है। अब ये सिंपल सा लॉजिक उसको नहीं पता, बिकॉज उसने ये सारी चीजें कभी पढ़ी ही नहीं है। ही जस्ट नो कैसे अर्न किया जाए, कैसे ग्रेजुएशन कंप्लीट किया जाए और कैसे एक बेस्ट जॉब ली जाए और अच्छी सैलरी कमाई जाए, बट ही डोंट नो हाउ टू इन्वेस्ट इट। मतलब जो पैसा वो कमा रहा है वो धीरे धीरे कम हो रहा है इन द बैंक अकाउंट। फिर मैंने उसको समझाया, पूरा गाइड किया। उस दिन भी मुझे ऐसा लगा कि हाँ शायद अगर ये चेंज होता, अगर इसको बेसिक नॉलेज दी जाती तो शायद ये पहले से इन्वेस्ट कर रखा होता या फिर मुझे पहले से कंसल्ट करता और अपना पैसा ऐसे डिक्लाइन नहीं करता। मतलब 2-3 साल से वो पैसा केवल बैंक अकाउंट में पड़ा हुआ था। जो थर्ड केस मेरे साथ हुआ कि एक मेरा दोस्त है जो मेरे साथ 1 साल से कांटेक्ट में नहीं था, बट रिसेंटली वो कांटेक्टेड मी कि यार भाई तुमने ऑफिस वगैरह स्टार्ट किया है, तो मई में उसने कांटेक्ट किया कि भाई मेरी सैलरी जो है ऑफर लेटर के अकॉर्डिंग 12 लाख की है और अब मुझे मैक्सिमम टैक्स बचा के दे दे। अब प्रॉब्लम यह है कि उसने बेसिक्स ऑफ टैक्सेस तो पता है नहीं, क्योंकि कभी मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम में उनका चर्चा ही नहीं हुई। अब प्रॉब्लम यह आती है कि अगर इस फाइनेंशियल ईयर की अगर बात करें, 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 की, आपको डिडक्शन अपनी टैक्सेबल इनकम में से जब मिलते हैं तब आपने इस पीरियड में इन्वेस्ट कर रखा हो। मतलब 1 अप्रैल 21 से 31 मार्च 22 के बीच में अगर आपने कुछ इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं तभी आपकी वो टैक्सेबल इनकम से डिडक्ट होता है। अब भाई ने तो कुछ इन्वेस्टमेंट कर नहीं रखे थे, कोई प्लानिंग वगैरह थी नहीं, तो बेसिकली मतलब उसने कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रखे थे। इसी की वजह से उसका 12 लाख जो टोटल सैलरी थी उसमें जो अबाउट 2 लाख की अगर प्लानिंग होती तो उस पर अब उसको टैक्स पे करना पड़ गया, क्योंकि उसको बेसिक्स पता ही नहीं थे कि मुझे इस पीरियड के बीच में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। उसने मुझे मई में कॉन्टेक्ट किया,
है, दैट्स वाई उसके 2 लाख पर 30% अराउंड 65,000 टैक्स उसको एक्स्ट्रा पे करना पड़ा। तो जनरली अगर ये सारी चीजें हमको ऑलरेडी सिखाई जाती तो शायद हम पहले से प्लान करते हैं, फिर पहले से स्टेप्स लेते हैं उसको सीखने की, लेकिन हमको कभी ये बेसिक्स पढ़ाए ही नहीं गए। लेकिन हाँ, एक अच्छी न्यूज है, अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉय है तो आपके लिए बहुत ही अच्छा कोर्स है बाई लेबर लॉ एडवाइजर, जो कि एक बहुत अच्छा ब्रांड है, जो एक बहुत ही अच्छा कोर्स प्लान कर रहा है आपके लिए, जिससे आपको बेसिक्स ऑफ टैक्स प्लानिंग के बारे में पूरी जानकारी होगी, जिससे आप अपना खुद का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल आसानी से कर पाएंगे। सो दिस कोर्स इज टॉट बाय सीए अनुप भाटिया सर, जो कि एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है विद मोर देन 11 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। उन्होंने अनअकैडमी पे भी अपने लेक्चर डिलीवर किए हैं, ये स्टॉट मोर देन 5,000 स्टूडेंट्स। ही इज ऑल्सो एन इनकम टैक्स कंसल्टेंट एंड सीईओ ऑफ अनुप भाटिया टॉक शो। मतलब इस कोर्स में आपको वो सारी जानकारी, वो सारे नॉलेज और वो सारा स्किल सेट सिखाया जाएगा जो कि आपको मैक्सिमम टैक्स सेव करने में मदद करेगा, अपना सही इनकम टैक्स रिटर्न गवर्नमेंट को फाइल करने में मदद मिलेगा और अपनी टैक्स प्लानिंग एडवांस में करने से मदद मिलेगा, बिकॉज ड्यू डेट का आप इंतजार करते रहे तो शायद आप टैक्स ज्यादा भर दें गवर्नमेंट को। बेसिकली इस कोर्स में आपको इंटरेक्टिव कॉन्टेंट मिलेगा, 10 आवर्स का चैट बेस्ड फॉरम मिलेगा अपने डाउट्स क्लियर करने के लिए, डाउनलोडेबल कैलकुलेटर्स मिलेंगे जिससे आप सही इनकम टैक्स अपना कैलकुलेट कर पाएं और मैक्सिमम डिडक्शंस चेक कर पाएं, एक डिस्कशन फॉरम मिलेगा और आईटी फाइलिंग ट्यूटोरियल्स मिलेंगे, और ये सारे अवेलेबल होंगे आपको 499 रुपीज में। और अगर आप मेरा डिस्काउंट कोड यूज करते हैं, दैट इज मोहित10, तो आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट भी मिलेगा ओवर दिस प्राइस। तो देरी किस बात की है, मैंने ऐप लिंक, वेबसाइट लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए, जाइए उसको क्लिक करिए एंड अवेल दिस अमेजिंग ऑफर। तो बेसिकली आई जस्ट वांटेड टू रिमाइंड ऑल ऑफ यू कि हमारे मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम में भी ऐसे कोई सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस किए जाने चाहिए जो कि आपको फाइनेंस के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में, मनी के बारे में, कैसे मैक्सिमम टैक्स सेव करें, आईटी रिटर्न्स के बारे में, अमेंडमेंट्स के बारे में जानकारी दे, गवर्नमेंट के प्रोसीजर्स के बारे में जानकारी दे, कैसे सही लोन वगैरह फाइनेंस किया जाता है, कार लोन, होम लोन, ऐसे डिफरेंट पर्सपेक्टिव हमको टाइम टू टाइम लाइफ में फेस करने पड़ते हैं जिसका नॉलेज होना इन द इनिशियल फेज में बहुत जरूरी है, जो कि मिसिंग है अभी हमारे एजुकेशन सिस्टम में। आई रियली वांट टू नो कि आपके क्या थॉट्स हैं इस पर्टिकुलर ओपिनियन पर मेरे, बिकॉज आई वांटेड कि हम सब मिलके कुछ ऐसा चेंज करें जो कि हमारी आने वाली जनरेशन को हेल्प करे। और हम क्या कर सकते हैं, वी जस्ट कैन डू दिस, कि लर्निंग नेवर स्टॉप्स। हम चाहें तो ये सारी चीजें अब भी सीख सकते हैं, यूट्यूब इज अ ग्रेट मीडियम जहां पर आप जाकर ये सारी चीजें सीख सकते हैं, लेबर लॉ एडवाइजर एज एन चैनल भी बहुत सारा अच्छा कंटेंट क्रिएट करता है जो कि आपको हेल्प करेगा एज एन फाइनेंशियल नॉलेज एक्वायर करने में, डिफरेंट पर्सपेक्टिव जानने में, और ये सारे डिसीजन जो कि आपके लाइफ के बहुत बड़े होने वाले हैं, कोई भी कार खरीदना हो, कोई भी होम खरीदना हो, कहां पर पैसा लगाना हो, कहां पर फाइनेंसेस लेने हो, लोन्स लेने हो, ये सारी चीजों में हेल्प करेगा अगर आप खुद को अपडेट करते रहे टाइम टू टाइम। और हमने ये सारी चीजें सीखी तो हम अपनी आने वाली जनरेशन को भी बता पाएंगे कि ये कितनी जरूरी होने वाली है। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, साइनिंग ऑफ, मोहित पाटीदार।